सती माता जाती। अब देखिए, जैसे आप कोई भी कार्यक्रम करिए, कोई भी कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, कीर्तन किसी भी भगवान का हो, चाहे दुर्गा माता का हो, श्याम बाबा का हो, कृष्ण जी का हो, सबसे पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी। कुछ भी हो, पहली पूजा तो गणेश जी की होगी। उसी प्रकार उस समय कोई भी सभा हो, तीन स्थान तीनों देवों के रखे जाएंगे। आप उन्हें बुलाओ मत बुलाओ, तीनों का स्थान रखना पड़ेगा। तीन देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सती माता जाती है तो देखती है वहां ब्रह्मा जी का स्थान लगा है, विष्णु भगवान का स्थान रखा गया है, दोनों नहीं आए थे, पर महादेव जी का स्थान भी नहीं रखा। इतना बड़ा अपमान जो कोई नहीं करता आज तक। अब सती माता कुछ कहे, इससे पहले पिताजी आते हैं, तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा, अपने पति के साथ रहकर उसके जैसी हो गई हो तो बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंच जाती हो। माता ने कहा, पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों हत्या कर सकती हूं? क्योंकि वो दुर्गा रूप है। ये तो सती माता, पार्वती माता, ये सब लीलाएं हैं, पर वो दुर्गा रूप है। तो बोले, मैं अभी चाहूं आपकी हत्या कर सकती हूं, इतनी शक्ति है मुझ में, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। मुझे दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। और उसी हवन कुंड में माता अपनी आहुति दे दी। महादेव जी तक बात पहुंचती है। महादेव जी अपने गण को भेजते, वीरभद्र नामक गण को, और कहते कि वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दो। वीरभद्र जाते, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर देते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तब विष्णु भगवान महादेव जी को शांत करते हैं कि यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का कोई भी कार्य अगर शुरू हो चुका है तो उसे पूरा करो, अधूरा मत छोड़ना। लेकिन यज्ञ पूरा कैसे करें? आयोजक तो है ही नहीं, क्योंकि दक्ष राजा की तो मृत्यु हो गई। तब उन्हें बकरे का सर लगाया जाता है। यज्ञ पूरा करते हैं। अब माता के शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं, अपने कार्य सब भूल गए, क्योंकि तीनों देव सिर्फ कहने को देव नहीं है, तीनों को तीन कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान पालन का कार्य करते हैं, और महादेव जी विनाश का कार्य करते हैं। वो काल है तो विनाश हो नहीं रहा, मृत्यु हो नहीं रही, और रचनाएं होती जा रही है। तब विष्णु भगवान अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है, और एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। इसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है जिसे कामाख्या देवी के दर्शन हम करते हैं। तो ऐसे ये जितने भी अंग हैं जो सिद्ध पीठ के दर्शन आप करते हैं, वो सब सती माता के अंग हैं, जो एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे थे। जब कुछ नहीं बचता तो महादेव जी फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब यहां पर वही सती माता हिमाचल राजा के यहां पार्वती मैया के रूप में जन्म लेती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी हिमाचल राजा के आते हैं। अब जब लड़की विवाह योग्य हो जाती है तो कोई भी अच्छा मित्र इत्यादि मिले तो पिता कहते हैं कि भाई कोई अच्छा वर हो तो बताना, है कि नहीं, 10 लोगों से बात करते हैं। तो हिमाचल राजा नारद जी से कह रहे कि पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर दिखे तो बताना। नारद जी से क्या छिपा है? नारद जी ने कहा, वर तो है, बड़ा अच्छा है। बोले, क्या नाम है? बोले, नाम है महादेव। बोले, धन इत्यादि है कि नहीं है? बेटी मेरी सुखी तो रही। अरे सुखी, धन तो इतना है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके दर पर आते हैं। अरे क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बिना मिले, बिना जाने, बिना कुछ देखे हिमाचल राजा ने कहा, रिश्ता पक्का। शादी की तारीख इत्यादि सब निकल गई। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि अब आप, मैंने बात तो कर ली पर महादेव जी को मनाने की हिम्मत नहीं, आप ही मनाइए। तब विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान कहते, प्रभु बहुत समय हो गया है, अब विवाह कर लेना चाहिए। बोले, नहीं मुझे नहीं करना। बोले, नेत्र बंद कर देखिए तो सही, कन्या कौन है? नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है,
क्योंकि सती माता ही तपस्या करके पार्वती माता का रूप उन्होंने लिया था कि विवाह तो मेरा फिर से महादेव जी से ही होगा।